हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महान महाराजा अजय देवगन से कहने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी सिंघम अगेन, जो कि इस दिवाली पर रिलीज होने वाली और बॉक्स ऑफिस के जितने भी रिकॉर्ड हैं उन्हें पूरे तरीके से ब्लास्ट करने वाली। और यहां पर आप सभी को पता है कि जैसे जैसे सिंघम अगेन मूवी की रिलीज डेट क्लोज होती जा रही है, वैसे वैसे इस मूवी से बड़ी बड़ी अपडेट्स निकलकर आना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर अब बहुत सारे भाई सवाल कर रहे हैं कि जो अक्षय कुमार सर का कैमियो है इस मूवी के अंदर, वो किस तरीके का होने वाला है। तो यहां पर आप सभी को पता है कि मैंने पहले भी अक्षय कुमार सर के कैमियो को लेकर आप सभी को अपडेट्स दिए थे, लेकिन यहां पर अभी जो मैं अपडेट्स देने वाला हूं भाई साहब, वो आपको पूरे तरीके से शॉक्ड करने वाली, क्योंकि यहां पर आप सभी को पता है कि सिंघम अगेन अजय देवगन सर की मूवी है और ये मूवी कॉप यूनिवर्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है, जिसकी वजह से रोहित शेट्टी सर ने इस मूवी के अंदर इतने ज्यादा कैमियोज ऐड किए। और उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे कोप यूनिवर्स की कौन सी मूवीज आने वाली है। यस, यानी कि सिम्बा 2 हो सकती है, सूर्यवंशी 2 हो सकती है। और उसके साथ साथ आप सभी को पता है कि जो टाइगर श्रॉफ और दीपिका की एंट्री हुई है, शायद उनको भी एक अलग अलग मूवी दी जा सकती है। लेकिन यहां पर अगर बात करें अक्षय कुमार सर के कैमियो को लेकर, तो भाई साहब अक्षय कुमार सर का जो कैमियो है वो जितने भी कैमियोज हैं उन सब में से बड़ा कैमियो है। यस, यानी कि यहां पर इनकी जो एंट्री है वो भी बाप लेवल की होने वाली। और आप सभी को मैंने बता दिया था कि अक्षय कुमार सर की जो एंट्री है सिंघम अगेन मूवी के अंदर वो भाई साहब हेलीकॉप्टर से होने वाली है। और आप सभी ने वो पोस्टर भी देखा होगा जहां पर अक्षय कुमार सर भाई साहब हेलीकॉप्टर से जंप करते हुए एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अक्षय कुमार सर की जो एंट्री है वो आप कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के साथ होने वाली है। और अक्षय कुमार आपको क्लाइमैक्स में भी देखने वाले हैं। यस, यानी कि उनके जो एक्शन सीन्स होने वाले ना वो बहुत बड़े लेवल के होने वाले हैं। शायद ऐसी सिचुएशन होगी इस मूवी के अंदर जहां पर अजय देवगन सर फंस जाएंगे और वहां पर सूर्यवंशी की एंट्री होगी और वो अजय देवगन सर को बचाएंगे। जैसे आप सभी ने सूर्यवंशी में देखा था, सिम्बा में देखा था, तो ऐसे ही सेम सिचुएशन हो सकती है भाई साहब सिंघम अगेन मूवी के अंदर। इस मूवी का स्टोरी का जो प्लॉट है ना वो काफी बड़ा बताया जा रहा है। अगर स्टोरी का प्लॉट बड़ा है तो भाई साहब तभी तो इतने ज्यादा कैमियोज ऐड हुए। तो यहां पर आपको अजय देवगन सर और अक्षय कुमार एक साथ एक्शन करते हुए भी दिखाई देंगे और अक्षय कुमार का जो कैमियो है वो सबसे एक्सटेंडेड कैमियो है। यस, यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि शायद अक्षय कुमार सर का जो स्क्रीन टाइम है इस मूवी के अंदर वो 15 से 20 मिनट तक है। यस, यानी कि इतना ज्यादा अक्षय कुमार सर का इस मूवी के अंदर स्क्रीन प्रेजेंस है। और आप सभी को बता दूं कि सबसे बड़ा कैमियो भी अक्षय कुमार सर का। और पर्सनली अक्षय कुमार सर के एक्शन सीक्वेंस को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी अक्षय कुमार कैमियोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब जो उनके कैमियोज हैं वो पब्लिक को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और स्ट्रीट 2 में तो आप सभी को पता है कि अक्षय कुमार ने भाई साहब पूरे तरीके से इंप्रेस कर दिया था और सारा का सारा ध्यान अपनी तरफ कर लिया था। और यहीं पर भी आप कह सकते हैं कि सिंघम अगेन में भी जो अक्षय कुमार सर का कैमियो होने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भाई साहब आप सभी को पता है कि अजय देवगन सर भी एक्शन के किंग माने जाते हैं और दूसरी तरफ अक्षय कुमार तो खुद रियल स्टंट्स करते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो स्क्रीन प्रेजेंस होगा वो भाई साहब लिटरली पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ना कि इंजॉयमेंट वाला होगा। और पर्सनली यहां पर जो जिस तरीके से रोहित शेट्टी सर इन दोनों को दिखाने वाले हैं ना, वो आज तक आपने अवतार इन दोनों का किसी भी मूवी के अंदर नहीं देखा होगा। हालांकि इन्होंने भाई साहब एक साथ बहुत सारी मूवीज की हैं, यानी कि इंसान मूवी की है, उसके अलावा खाकी मूवी की है, सुहाग मूवी की है, उसके अलावा एक और भी मूवी की होगी। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो भाई साहब दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, पर्सनली लिटरली आपको सरप्राइज कर देगा। तो यहाँ पर अक्षय कुमार सर का जो कैमियो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पर्सनली इस कैमियो को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हमें कॉमेंट्स होता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस वीडियो को देख सकें।